मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से सीधे जुड़कर उनकी परेशानी का खुद संज्ञान लेते हैं। इसका जीता जागता सबूत है प्रयागराज की एक लड़की नुकुश फातिमा। नुकुश की आज शादी है। धूमनगंज के कन्हाईपुर की रहने वाली नुकुश के घर के बाहर की सड़क पूरी तरह से खराब थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और कूड़े का अंबार लगा था। सड़क बनने के लिए नुकुश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। खत में नुकुश ने 7 दिसंबर को अपनी शादी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया और लिखा कि मेरे घर में बारात आएगी और घर के बाहर की सड़क काफी खराब है, अगर आप भी शादी में आएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। इस लेटर को मुख्यमंत्री को भेजने के बाद उसकी फोटो नुकुश ने सीएम के ट्विटर हैंडल पर टैग कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नुकुश के पत्र का संज्ञान लिया और सोमवार को रातों रात पूरी सड़क बना दी गई। अब इस सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। नुकुश के परिवार के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि योगी जी सभी के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हमारी परेशानी का संज्ञान लेकर साबित कर दिया है कि उनको हर वर्ग की चिंता है। मेरी बेटी नुकुश फातिमा ने एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे एक आग्रह किया कि आप हमारी शादी 7 दिसंबर को और आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। मतलब ये था कि आप अगर आए और सड़क ख़राब रहे तो इसमें आपको आने में तकलीफ़ होगी और मेहमानों को भी तकलीफ़ होगी। एक पत्र लिखा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों का सबका साथ सबका सम्मान और सबके विकास के आधार पर हमारी सड़क बनवाई, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।